Georgia. जिस तरह से ब्रह्मपुरी इकबाल नगर का जो काम रुक आला है और जिस तरह से बारिश गिरने के बाद जो हालात ख़राब हुए वहाँ पे, और 3 दिन पहले मैं सब जाके देखा हूँ, और जिस तरह से जो बड़े रोड का काम रुक आला है, वो बड़े रोड का काम इसलिए रुक आला था कि जिस तरह से उसमें कुछ त्रुटियाँ थे और उसमें कुछ मंजूरी लेने की थी, और जनरल बॉडी की मंजूरी लेकर और उसमें कुछ चेंज कर और जो पहले जो नालियाँ बनाए वाले बोकस नालियाँ थे और उसका जो पाइप डाले वाले थे, पाइप के वजह से और पूरे नाले जाम हो गए वाले, और जिस तरह से अगर रोड बनाए भी तो वो रोड टिकता नहीं था, इसके लिए काम लेट हुआ है। और जिस तरह से हमने आश्वासन दिए थे कि भाई चुनके आने के बाद 2 महीने के अंदर, महीने भर के अंदर काम होगा, पर उसमें जो कठिनाई आई कि जो मंजूरी थी और वो काम जो ख़राब काम हुआ था उसको सही काम करके लेने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज काम चालू करने का था पर बारिश की वजह से, और शाम में अभी जो है ईद है, ईद के वजह से उसमें खुद काम नहीं किया गया, और इंशाल्लाह ईद के 3रे-4थे दिन हम वो काम चालू कर रहे हैं बड़े रोड का। और अंदर के जो ड्रेनेज के कनेक्शन है, और जिस तरह से पहले ड्रेनेज लाइन डाली गई थी, जो 16 कोटी का काम किया गया था और जो काम सही नहीं किया, और उसके लिए घरों में पानी घुस रहा है, और वो घरों में जो पानी निकलने का जो नालियाँ बने वाले थे, वो नालियाँ बोकस नालियाँ बने वाले हैं पूरे, और पहले जो जनता ने वहाँ के जो सही काम करके नहीं लिया, और जो 95 कोटी वहाँ पे आए थे उसके बाद सही काम करके लेने का काम किसका रहता, जनता का रहता, जनता ने सही काम करके नहीं लिया बोल के आज घरों में पानी घुस रहा है। वन हम जिस तरह से चुन के कांग्रेस के 4 कारपोरेटर आए, और इंशाल्लाह ईद के 3रे दिन हम वो काम चालू कर रहे हैं, और जो लोग आज आरोप कर रहे हैं कि भाई चुन के आने के बाद भी ये लोगों ने कुछ नहीं किया, वन हम बुनियादी काम करने वाले और सही काम करके लेने वाले, और कोई पैसा आया तो बार बार पैसा नहीं आता, उसको सही यूटिलाइज करके लेना पड़ता है। और जिस तरह से आज इतना बड़ा पैसा आकर इकबाल नगर महबीबा कॉलोनी संतरे का मल्ले में, देखिए संतरे के मल्ले के भी रोडा हमने बनाए हैं, जो हमने बिंदु अशोक चौहान साहब के पास का उद्घाटन किए है, और उस लिए वो काम हुआ है, और जो काम रुके वाला है इंशाल्लाह ईद के 3रे-4थे दिन काम होगा। और जिस लोगों को लीडरी करने का, लीडरी करना चाहिए, लीडरी करते रहो, पर हमको जो जनता ने विश्वास कर हमको जो चुन के दिए, जनता पे विश्वास के बाद हम विश्वासघात नहीं करिए, इंशाल्लाह हम काम करके बताइए, हम काम के आदमी है, ऐसा फालतू बातों पर हम ध्यान नहीं देते। कोई मैं उठा के स्टेटमेंट दे रहा, कोई मैं उठा के स्टेटमेंट दे रहा कि भाई एक जो शाहिर साहब ने कहा कि भाई सत्तार भाई ने कहा था कि महीने भर के अंदर रोड बनेंगे, पर उसमें जिस तरह से हमने फाइल देखे, वो फाइल में जो टूटी थी, जिस तरह से बोकस काम नहीं होना बोल के हमने सही काम करने के बाद से रोके हैं, उसको जनरल बॉडी की मंजूरी लिए हमने, दोनों तरफ के नालियाँ तोड़कर और उस पर जो पाइप है वो निकाल कर फेंक कर और उस पर स्लैब डालकर और पूरा हार्ड मिस काम करके लेंगे, और काम करने के बाद ही हम उन लोगों से जवाब मांगिए कि कौन सही थे और आप कौन सही थे। जिस तरह जनता ने का भी ये रहता जिम्मेदारी रहती, जिस तरह से काम सही करके लेने की, आज इकबाल नगर में जो काम हुआ है पूरा काम बोकस हुआ है। आज स्टेट पोल खाली खड़े वाले, उस पर कोई शर्ट डाले गया नहीं, खड़े वाले उस पर कोई शर्ट डाले गया नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, जब 4-5 साल MIM के नगर सेवक थे, जब चुन के आए और आने के बाद में पलट के देखे नहीं, सिर्फ लोगों को आश्वासन दिए, हम तो जो चुन के आके हम 7-8 महीने हुए, हम माफ़ी चाहते हैं, पर इंशाल्लाह ईद के 2-3 दिन के बाद वो अच्छी तरह से काम चालू करिए, फिर उसके बाद आके बात करिए। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, क्योंकि जिसको लीडरी करने का, लीडरी करने का है, हमको काम करना है। जो इकबाल नगर की जनता ने हम पे विश्वास कर एक भारी लीडर में हमको चुन के देंगे, हम किसी के बातों पर ध्यान देते नहीं, इंशाल्लाह काम करके ही हम वहाँ के लोगों के दिला जीती है, इसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार मैं रमज़ान की सबको मुबारकबाद देता हूँ, ईद उल फितर की, क्योंकि रोज़ा रखकर लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है हम देख रहे हैं, लोगों को नमाज को जाने की तकलीफ़ हो रही है हम समझ रहे हैं, ऐसा ही नहीं, हमारे दिल में भी ईमान है, हम ईमान वाले हैं, कोई बेईमान आदमी नहीं है हम जिस तरह से आज अल्लाह के फजल से पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, और जिस तरह से आज आपसे वादा करते हैं ईद के 2रे-3रे दिन इंशाल्लाह पूरा काम करें, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार सबको ईद की मुबारकबाद दे के अपने दौलत ख़त्म करता हूँ। फिर भी चैनल वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से चैनल वाले जो बताए हैं, वाजबी है, जो इकबाल नगर जो सुधरना था आज
25 साल से जो आबादी बसी वाली नहीं सुधरी, इंशाल्लाह ये कांग्रेस के जो 8 कारपोरेटर आए, जो मसूद अहमद खान भी है हमारे साथी शेरअली है, ऐसा ही नहीं है, हम काम के व्यक्ति है, हम इंशाल्लाह काम करके लोगों के दिल जीतेंगे, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार माफ़ी चाह के अपने दौलत ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।